अब बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे स्पिन गेंदबाज की जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और जिसने सीधा चैलेंज कर दिया है सिलेक्टर्स को कि आप मुझे टेस्ट मैच में उतार सकते हैं, मैं एकदम तैयार हूँ। जी हाँ, बात कर रहे हैं आर साई किशोर की, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था और अब उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं अपने आप को ट्रेन किया है। और उन्होंने कहा है कि आईपीएल में जाने से पहले इस तरीके की ट्रेनिंग जो है 4 बजे सुबह उठना और उसके बाद ट्रेनिंग करनी, गेंदबाजी की प्रैक्टिस करनी और प्री सेशन में उस तरीके की प्रैक्टिस करनी, 4-5 साल से वो कह रहे हैं कि वो लगातार ऐसी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आईपीएल के टाइम पर आपको इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है, बॉडी को रिकवर करने के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन जो उन्होंने टीएनपीएल यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेली उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 15 से 20 दिन का ब्रेक मिला और जिसे मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है और वहाँ पर मैंने अपनी बॉडी को एकदम तैयार किया है। उन्होंने कहा एक बड़ी बात यहाँ पर जो उन्होंने कही, उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं भारत के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक हूँ, आई फील आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द कंट्री, पुट मी इन अ टेस्ट मैच। उन्होंने कहा कि मुझे टेस्ट मैच में डाल दीजिए, मैं एकदम तैयार हूँ और मैं इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ क्योंकि रविंद्र जडेजा वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैंने रविंद्र जडेजा के साथ कभी खेला नहीं है, मैं उनके साथ सीएसके के खेमे में ज़रूर था लेकिन हमने रेड बॉल क्रिकेट में एक बार भी एक साथ नहीं खेला है, तो मेरे लिए लर्निंग के लिए भी और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, मैं तैयार हूँ। तो क्या ये एक तरीके की वार्निंग, एक तरीके की चेतावनी, एक तरीके का मैसेज था जो वो सिलेक्टर्स को देना चाहते हैं कि मैं एकदम तैयार हूँ, आप मुझे टेस्ट फॉर्मेट में उतार सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट वो लंबे समय से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, टीएनपीएल में वो खेलते हुए नजर आते हैं, आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये संदेश जो है ये सिलेक्टर्स तक पहुंचने वाला है और क्या आर साई किशोर टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं, क्या उनका नाम स्क्वाड में आ सकता है इंडिया वर्सेज बांग्लादेश सीरीज में, ये जो कुछ सवाल है ये शायद आर साई किशोर के दिमाग में भी चल रहे होंगे। आपके हिसाब से क्या वो टीम में आने चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और अपनी राय आप इस पर जरूर दे सकते हैं।